आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग आज घाटी का करेंगे दौरा। कल हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। थल सेनाध्यक्ष आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। शुक्रवार को आतंकी वारदातों में 11 जवान हुए थे शहीद। उरी श्रीनगर पुलवामा शोपिया में आतंकियों ने किया था हमला। मुठभेड़ में 8 आतंकियों को सेना ने ढेर किया। आतंकियों के पास से 6 AK-47 55 मैगजीन भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले दो दौर में भारी मतदान से बौखलाए आतंकवादी। 8 दिसंबर को श्रीनगर में मोदी की रैली से पहले किया हमला। राजस्थान के उदयपुर में आईबी अलर्ट के बीच मिले 5 डेटोनेटर। दिल्ली गेट पर संदिग्ध वस्तु होने की पुलिस को मिली थी सूचना। तलाशी के दौरान मिले डेटोनेटर। झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज। 2 चरणों में अब तक हुए मतदान में जमकर हुई है वोटिंग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रांची और रामगढ़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लगातार हार से साख पर है संकट। कुख्यात नक्सली हेडमा ने रची थी सुकमा में सीआरपीएफ टुकड़ी को निशाना बनाने की साजिश। मास्टरमाइंड हेडमा का नक्सली सोंटू और मदन अन्ना ने दिया था साथ। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार बनाएगी इनामी योजना। 5 बड़े नक्सलियों का सुराग देने पर 1-1 करोड़ का इनाम। इनामी नक्सलियों में मुपल्ला लक्ष्मण और श्रीनिवास राव जैसे नक्सली। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को दी धमकी। जिहाद छेड़ने का उगला जहर। हल कर दे और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गजवाए हिंद परपा होगा। आतंकी हाफिज सईद पर सीपीएम नेता और पोलिट ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी का बयान। कहा सरकार पूछेगी राय तभी तो राय दूंगा। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दी नसीहत। कहा कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को गंभीरता से करना चाहिए विचार। पुलिस ने चाईबासा से अगवा किए गए 4 सरकारी कर्मचारियों को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया। 30 घंटे में छूटे कर्मचारी। गुरुवार की शाम चाईबासा के एक गांव में सर्वे के लिए गए थे कर्मचारी, तभी नक्सलियों ने कर लिया था अगवा। नोएडा अथॉरिटी के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह बैंक लॉकर से मिले करीब 100 करोड़ के हीरे। 1-1 हीरा 50 लाख तक की कीमत का। यादव सिंह के बैंक लॉकर में करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिले। नोएडा अथॉरिटी ने इनकम टैक्स के निर्देश पर जुटाए यादव सिंह के वक्त दिए गए ठेकों के कागजात। सोमवार तक आईटी विभाग सौंपने की उम्मीद। योजना की आयोग की बैठक में शिरकत नहीं करेगी ममता बनर्जी। रविवार को पीएम ने बुलाई है बैठक। ममता की जगह परियोजना आयोग की बैठक में अमित मित्रा होंगे शामिल। ममता सरकार में वित्त मंत्री है मित्रा। सिलीगुड़ी में रेलवे कर्मचारियों ने एफडीआई का किया विरोध। डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। वर्धमान धमाके में एनआईए ने की एक और अहम गिरफ्तारी। मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनूर अली गिरफ्तार। एनआईए ने आतंकी शाहनूर को नलबारी से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने स्वाभिमान पक्ष की नाराजगी का किया खंडन। विधायक सदाभाऊ खोत और राजू शेट्टी के खफा होने की थी खबर। फडणवीस ने कहा आगे मित्र पक्षों को भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार में शामिल होने पर उठा सवाल, जनहित याचिका में उठाया मुद्दा। याचिका में जिक्र, महाराष्ट्र में नेता विपक्ष 6 माह के भीतर आखिर कैसे हो सकते हैं सरकार का हिस्सा। सीएम फडणवीस ने दी दलील, कहा नेता विपक्ष के सरकार में शामिल होने पर नहीं है कोई नियम, बोले बहुत जल्द खारिज हो जाएगी याचिका। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने दिया अजीब गरीब बयान, कहा बिजली चोरी करने वालों के लिए बताई अनोखी सजा। राज्यपाल राम नाईक ने पहले कहा बिजली चोरी करने वालों को फांसी देनी चाहिए, फिर बोले ऐसा संभव नहीं होगा, लिहाजा उन्हें चौराहे पर लाकर जूते मारे। अयोध्या विवाद पर हाशिम के बयान को वकील जफरयाब जिलानी ने उम्र का तकाजा बताया, कहा 95 साल के हो चुके हैं हाशिम, कुछ भी बोल देते हैं। जिलानी ने कहा अगर हाशिम अपील वापस भी ले लेंगे तो भी मुकदमे पर नहीं पड़ेगा फर्क, बोले हलफनामा लगाकर दाखिल की गई थी याचिका। खालिद फिरंगी महली ने हाशिम के बयान पर जताई हैरत, कहा कानूनी तौर पर बयान दुरुस्त नहीं। यूपी के कटरा इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए आया कीड़े वाला भोजन, बच्चों ने खाने से किया इनकार, भूखे घर लौटे। एनजीओ से आए खाने में थे कीड़े और मक्खी, गोंडा के जिलाधिकारी ने शिकायत की जांच की बात कही। यूपी के शामली में अगवा की गई 3 लड़कियों और 2 महिलाओं को पुलिस ने छुड़ाया, आरोपी फरार। जी हमें हम अपने गांव में लेके हुए। कौन से गांव? ऑडेट। तो क्या आपको बंधक बनाए रखा? हाँ जी, पुलिस गई, पुलिस ने छुड़ाया हमको, पुलिस ने छुड़ाया जी ना हम। शामली में प्रेमी संग भागी थी प्रेमिका, लड़की के परिजनों ने जैतपुर गांव से युवक के परिजनों को किया था अगवा। ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूज को दी एक और श्रद्धांजलि, सिडनी की पिच नंबर 7 को किया रिटायर, अब नहीं होगा इस पिच पर मैच, इसी पिच पर बाउंसर से ह्यूज की हुई थी मौत। एडलेड में ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के बीच आखिरी अभ्यास मैच, बिना हार जीत के खत्म, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दिखाया जौहर। अभ्यास मैच में 90 ओवरों में टीम इंडिया ने जड़े 375 रन, मुरली विजय, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिद्धिमान साहा ने ठोका अर्धशतक। दिल्ली में लगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सितारों का जमघट, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, पीट सैम्प्रोस अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर लीग खेलने पहुंचे। भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, जर्मनी से आज शाम भारत का पहला मुकाबला। भारत के पड़ोसी मुल्क मालदीव्स पर पीने के पानी का संकट, भारत ने कल भेजी 20 टन पानी की पहली खेप। मालदीव के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से आया संकट, सुषमा ने की बात, भारत आज 5 विमानों से भेजेगा पानी की दूसरी खेप। पेंटागन के पूर्व अधिकारी एस्टन कार्टर अमेरिका के नए रक्षा मंत्री होंगे, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव। नई थमरा दक्षिण अफ्रीका के इबोला का कहर, वित्त मंत्री ने कहा इबोला प्रभावित करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं अस्पताल। इबोला पर अमेरिका ने बुलाई विशेष बैठक, संयुक्त महासचिव वन के मून ने कहा बेहद विनाशकारी हो सकता है इबोला।